आज मौसम कितना अच्छा है ना। गर्मी भी तो बहुत है। बहन जी ये एड्रेस बताना कहाँ पे है। कहाँ से मैं तुझे बहन जी दिखाई दे रही हूँ? खुद सूट सलवार में आई है, उल्टा मुझे बहन जी बोल रही है, तमीज नहीं बात करने की? तो बहन जी को इंसान बहन जी ही बोलेगा ना। क्यों इससे बहस कर रही है? खाम अगर तेरे को दो चार रैपट लगा देगी, और यही नहीं इसका अगर बस चला ना तेरे को नदी में गिरा देगी। चुपचाप आगे निकल जा। एक्चुअली में मैं नई हूँ, मुझे नहीं पता, तो आप लोग प्लीज एक बार देख के तो बता दीजिए ना कि ये एड्रेस है कहाँ पे, मैं चली जाऊंगी। और मैं आप लोग से बहस कहाँ कर रही हूँ? जब तेरे को पता नहीं है तेरे को आने के लिए किसने बोला है? मैडम आप इस एरिया में रहती हैं तो आपको पता है तो बता दो, इसमें इतना भाव खाने वाली क्या बात है? तो मैं तेरे बाप की नौकर हूँ जो तुझे एड्रेस बताऊंगी? मैं यहाँ घूमने आई हूँ, समझी? एक सेकंड, इसका एड्रेस बता देते हैं, दिखा जरा। इसका एड्रेस में लिखा हुआ है तुम्हें जाना है तो पहले यहाँ पे बैठ के उठक बैठक करनी पड़ेगी, उठक बैठक कर, वरना ये तेरा फोन नहीं मिलेगा। जल्दी कर फिर हम बता देंगे। ऐसा कौन करता है किसी के साथ? ऐसा कौन करता है? देख यहाँ से जितने भी लोग आते जाते हैं ना, वो हम लोगों का मनोरंजन किए बिना नहीं जाते हैं। अब तू खुद ही है जाल में फंसने के लिए, तो हम तो अपना एंटरटेनमेंट करेंगे ना। और मैं ये चाहता हूँ कि तू यहाँ पे जल्दी से उठक बैठक कर, वरना तेरा फैन ना अभी फेंक दूंगा पानी में। मैं तो कहती हूँ फोन छोड़, इसे उठा के पानी में फेंक देते हैं। ये भी सही है, तेरे को उठा के फेंक देते हैं। अब जल्दी से हमें उठक बैठक करके दिखा रही है, फिर तेरे को पानी में फेंकूं? ये क्या बात हुई, ऐसे कौन बदतमीजी करता है? मेरी गलती क्या है? मैंने सिर्फ आप लोगों से एड्रेस पूछा है। क्यों पूछा? तेरे लिए खड़े थे क्या हम यहाँ पे कि तू आए और हमसे एड्रेस पूछे? और ऐसे हक जता के पूछ रही है जैसे तेरे बाप के नौकर हैं। मैडम बाप पे मत जाइए। एक काम करती हूँ, इसके ना बाप पे नहीं जाती हूँ, इसकी माँ पे चली। तेरी इतनी हिम्मत, तूने इसके ऊपर हाथ उठाया? हाथ इसलिए उठाया क्योंकि ये पहले मेरे बाप पे गई फिर मेरी माँ पे। हाँ तो तूने मना किया ना इसको अपने बाप पे जाने के लिए, तो तेरी माँ पे तो जाएगी वो। मतलब तूने हाथ कैसे उठाया मुझ पे? तेरे को पता नहीं है मैं तेरे साथ क्या कर सकती हूँ? मेरा भाई ना यहाँ का SHO है, समझी? SHO है तो क्या हुआ, क्या कर लेगा वो मेरा? क्या कर लेगा? पानी देख रही है, जितना पानी खाला है ना उतनी तेरी जिंदगी काली कर देगा इसका भाई यहाँ पर आ गया तो। तुम दोनों को ये नहीं पता कि SHO को जो वर्दी मिलती है ना वो देश की रक्षा के लिए मिलती है, जनता की रक्षा के लिए मिलती है, वो ऐसा काम कभी नहीं करेगा। लेकिन इसके भाई को तो हमारा मनोरंजन करने के लिए वर्दी मिली हुई है, तो वो तो हम जैसा कहेंगे वैसा ही करेगा। नमूना देखना चाहती है, बुलाओ उसे। हाँ हाँ बुलाओ। एक पैर पे नचाएगा तेरे को। इतना घमंड किसे दिखा रही है? और क्या एड्रेस IS ऑफिसर का दिखा रही थी ना, तो एक काम करती हूँ तेरे को बता देती हूँ, IS ऑफिसर के पास जाते हैं मिलने तो कैसे जाते तमीज लड़की। तूने दोबारा मुझ पे हाथ उठाया, अब देख मैं क्या करती हूँ। मेरे भाई को फोन लगा। हेलो, हाँ भैया ये मनीषा का ना किसी लड़की ने बाल पकड़ के खींच दिया तो बुला रही है आपको। एक मिनट, झूठ क्यों बोल रहे हो? चुप रहे, आ रहा है मेरा भाई, आके बताएगा तुझे। और तुम दोनों को जो करना ना कर लो, मैं डरने वाली नहीं हूँ। तुम्हारा भाई कोई प्रधानमंत्री नहीं है, मार मुझे। जो है यहाँ का, हाँ तो सारे डरते हैं उससे। सारे डरते होंगे, मैं नहीं डरती। डरेगी, तू भी डरेगी, असगर है वो, निकल जाएगा तेरे को। अरे क्या हो गया, छुट्टी वाले दिन तो सुकून से सोने दिया करो। अच्छा हुआ असगर भाई तुम आ गए। देखो तुम्हारी बहन के बाल पकड़ के मारी थी, अब मैं तो लड़कियों के चक्कर में पड़ नहीं सकता ना, इसलिए मैंने सोचा कानून को बुला लिया जाए। तुम्हारा दिमाग खिसक। चुप, नौकरी खाएगी मेरी। मैडम आप तो कल आने वाले थे, आप आज कैसे आ गए? हाँ मैं आज आ गई इस एरिया की तहकीकात करने के लिए, और शुरुआत तुम्हारी बहन से हुआ। वाह, इसे तो बहुत ज्यादा घमंड है तुम्हारी वर्दी पे, तुम ये सब काम करते हो। नहीं मैडम, इसने जो बोला वो गलत बोला है, मैं तो बस आज छुट्टी पे था इसीलिए मैं आ गया इसके पास। मुझे क्या पता था इसने लड़ाई झगड़ा करा है किसी से, मैंने सोचा होगा किसी लड़के से लड़ाई झगड़ा होगा, और एक लड़की पे कोई लड़ाई झगड़े वाला केस होगा तो मैं उसका भाई हूँ तो इतना तो केस देख ही सकता हूँ। अच्छा, इसने आपसे लड़ाई की? मतलब तुम दोनों झूठ बोल रहे थे। तुम लोगों को पता है एक पुलिस ऑफिसर के ऊपर इल्जाम लगाना कितना बड़ा गुनाह है? तुम दोनों को इसके बदले में एक मिनट, बिल्कुल चुप। और मैडम इन्होंने क्या करा आपके साथ, जरा मुझे भी बताना। मैं इनसे बस पूछ रही थी कि ऑफिस का एड्रेस बता दो, इन्होंने दुपट्टा तक खींच दिया, बात मेरी इज्जत पे आ गई। जरा इधर देखना, तुम्हें घर वालों ने यही सब सिखाया क्या?
इस लफंडर के साथ रह रहे गए ना, तुम अपने घर के सारे संस्कार भूलती जा रही हो। तुम्हें कितनी बार मना करा ना इसके साथ नहीं घूमने का, फिर भी तुम्हें इसी के साथ मजा आता है। तुम घर चलो, तुम्हें मैं बताता हूँ। और मैडम, इसकी तरफ से मैं आपसे सॉरी मांगता हूँ, इसने जो भी गलती की होगी मैं हरजाना भुगतने के लिए तैयार हूँ। आप क्यों सॉरी बोल रहे हो? अभी भी जबान लड़ाई जा रही है, जरा से भी तमीज रह गई है तेरे अंदर या नहीं? बदतमीज, ओए निकल अपने घर, तुझे तो मैं बाद में बताऊंगा। ओए घर चल, रुक घर पे आके बताता हूँ। अरे मैडम मुझे माफ करना, मेरी बहन ने जो गलती की है। आप ऑफिस पूछ रही थी ना, आइए मैं आपको ऑफिस तक छोड़ दूँ। हाँ आप छोड़ दो।